हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छांव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समां कल हो ना हो। कैसा लगा मेरा गाना? अरे यार बस मुझे पता है आप लोग मेरी इतनी तारीफ कर रहे होंगे कि क्या बताऊं। अरे मैं तो कहता हूं आप भी मेरी तरह ही गाएं, गुनगुनाएं, मस्त रहें और इतना दिल खोल के गाएं कि अगर किसी के कानों में प्रॉब्लम हो भी रही हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि कल हो ना हो लेकिन आज तो है ना। और आज आप लोग मेरे साथ खेलिए फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट्स क्या बोलती हमले। तो चलिए आपको बताता हूं हमारे गेम के रूल्स। मैं आपसे पूछूंगा पांच सवाल, हर सवाल के दो ऑप्शन, चुनने के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकंड। जिस ऑप्शन को मिलेंगे सबसे ज्यादा वोट्स वही होगा सही जवाब। यहां पर हर रोज 100 विनर्स लेके जाएंगे 1000 रुपए के गिफ्ट कार्ड्स, 1 विनर 1 लाख रुपए और सीजन के अंत में 1 लकी विनर 10 लाख रुपए। तो चलिए आज का मेरा पहला सवाल, सवाल है आपको कौन सा गाना गुनगुनाना ज्यादा अच्छा लगता है? क्या है वो अपना टाइम आएगा या फिर साडा हक? 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। यार अपना टाइम आएगा फ्रॉम द फिल्म गली बॉय, क्या फिल्म थी यार, मतलब लास्ट ईयर ज्यादा से ज्यादा अवार्ड्स इस फिल्म ने जीत लिए। वेल ये फिल्म बनी थी दो रैपर्स पर हमारे मुंबई के, वो थे आय हाय हाय क्या बात है यार, मतलब एक थे डिवाइन एक है नेजी, यार कमाल का दोनों गाते हैं। वैसे पता है मुझे तो दोनों ही गाने बड़े पसंद है यार, देसी और विदेशी दोनों का फ्यूजन। वैसे फ्यूजन तो यहाँ हमारे हरियाणा में देखने को मिला, वहाँ पे एक लड़का हरियाणा का और उसे मिली एक लड़की मेक्सिको की जो कि इंडिया में ही रहती है। अब ये लड़का उस लड़की को इंग्लिश सिखा रहा और वो लड़की इस लड़की को स्पेनिश सिखा रही थी, पर दोनों एक भाषा सीखे, वो थी प्यार की भाषा। दोनों में प्यार हुआ, बात शादी तक पहुंची, लेकिन बीच में मुश्तंडा लॉकडाउन आ गया और दोनों अलग हो गए। पर एक सरकारी ऑफिसर ने दोनों की मदद की, इनको समझा और इस फ्यूजन को मिला दिया और शादी करवा लिया। वाह क्या लव स्टोरी है ना यार, एक तरफ हरियाणा का लड़का यानी घी और मक्खन, दूसरी तरफ मेक्सिको की लड़की यानी सालसा, घी और मक्खन सालसा, दोनों मिलेंगे और करेंगे जलसा। खैर चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल जो है वो है शाहरुख खान की आपके हिसाब से सबसे मोस्ट आइकॉनिक रोमांटिक फिल्म कौन सी है? बताइए क्या वो है DDLJ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे या फिर वीर ज़ारा? 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। वैसे यार बताऊं DDLJ यानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हमारे मुंबई के एक थिएटर में मराठा मंदिर में 20 साल तक लगी यार, लॉन्गेस्ट रनिंग हिंदी फिल्म एवर। कोई बात नहीं यार, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। वैसे यार ये लॉकडाउन के चक्कर में ना यार शादियां हो ही नहीं रही यार, अगर मान लो शादियां होती तो कैसी होती ना, बारात में नागिन डांस होता ही नहीं, मतलब कैसे होता है यार, मुंह पे लोगों ने मास्क पहना हुआ है, वो नागिन डांस नहीं बतक डांस ज्यादा लगता, क्योंकि कई बार हम मास्क पहन के बतक जैसे लग सकते हैं। शादी के एल्बम कैसे होते, मतलब लोगों ने मास्क पहने पता ही नहीं चल रहा चाची घड़ी के चाचा घड़े। लेकिन कोई बात नहीं, मास्क पहन के चाहे बतक लगे चाहे ना लगे, मास्क पहनना बहुत जरूरी है और जरूर पहने, ये मैं ही नहीं कह रहा हूं सिर्फ विद्या बालन भी कह रही है और कह नहीं रही, उन्होंने मास्क बनाना सिखाया भी है, सीखे। कोई भी कपड़ा ले लीजिए, चाहे वो दुपट्टा हो, स्कार्फ हो, पुरानी साड़ी हो, आज मैं एक ब्लाउज पीस का इस्तेमाल करने वाली हूँ और साथ आपको चाहिए 2 पैंट्स, रबर पैंट्स भी चलेंगे। अब कपड़े को इस तरह फोल्ड कर लीजिएगा, और फिर बैंड्स को दोनों तरफ से अटका दीजिए। अभी चॉकलेट की तरह दिख रहा है, और फिर इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए। अब दूसरे एंड को इसके अंदर अटका दीजिए ताकि ये हिले ना। बन गया आपका मास्क है ना?
विद्या बालन ने अपने विद्यालय से सिखाया मास्क बनाना। वैसे यार एक बात माननी पड़ी यार, जितने भी सेलिब्रिटीज है ना यार, आगे बढ़ के अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे अगला सवाल मिल गया, आप बताइए कि सेलिब्रिटीज क्या सिखाते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा लगता है। ऑप्शंस है खाना बनाना या वर्कआउट करना। वेल, आपके 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। वैसे पीछे लोगों ने इतने ज्यादा वर्कआउट के वीडियो डालने स्टार्ट किए, मेरी फ्रेंड फराह खान गुस्से में आ गई। उन्होंने कहा प्लीज बस करो, वर्कआउट के वीडियो डालना बंद करो। और उसके बाद सबने वीडियोस जो हैं वो पॉज मोड में डालने स्टार्ट कर दिया, यानी सिर्फ फोटोज। देखिए, एक तरफ विद्या बालन लोगों को मास्क बनाना सिखा रही हैं और दूसरी तरफ प्रियंका चोपड़ा इंस्टाग्राम लाइव से लोगों को खुश रहना, हेल्दी रहना सिखा रही हैं, उसकी टिप्स दे रही हैं। और उतने में ही प्रियंका के पति निक ने निक ऑफ टाइम में अपने कारनामे से उनको परेशान किया। I know we're all trying to do the best that we can. देखा, कर दिया ना डिस्टर्ब। अरे प्रियंका के दिमाग में वॉइस ओवर चल रहे होंगे, बेबी अब क्या तोड़ दिया, बेबी पूरा घर तोड़ोगे क्या। वैसे मेरा अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है, बताइए घर में ज्यादा सामान किससे टूटता है, हस्बैंड या वाइफ। 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। वैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं किचन में बड़ा तोड़ू परफॉर्मेंस देता हूं, मतलब मैं किचन में जाता हूं ना तो कुछ ना कुछ टूटता जरूर है। अरे मैं तो कहता हूं मैं किचन में काम ही ऐसे करता हूं कि लोग कहते हैं भैया रहने दो, हम खुद ही कर लेंगे। यार आज ना मुझे गमला सिंह की बड़ी याद आ रही है यार, मतलब पता नहीं कहां रहे। ओ यार मनु। अरे गमला सिंह। ओ यार तूने मुझे बड़े अच्छे टाइम याद किया यार। क्या बात है यार गमला सिंह, आई लाइक द हेयरकट, न्यू हेयरकट यार, वाओ। ओ थैंक यू, ओ थैंक यू वेरी मच। ओ सुन, ओ यार मैंने ना एक रैप लिखा है मनु। अच्छा? यार मैं रैप सुनाता हूँ, सुन एक काम कर, ओ जी माइनर दियो जरा। रैप सुनाएगा? नहीं यार, यार रहने दे। ओ तू मेरा रैप सुन। अच्छा सुना। ओए कौन बोला, कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा, मेरे जैसे शाना गमला तुझे ना मिल पाएगा, मेरे पत्तों का जाला अबे कभी तो गिर जाएगा, तू क्या मुझे बताएगा, मैं तुझको बताएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अबे कोई खाद डाल के जाएगा। हट। क्या बात है यार गमला सिंह, क्या गाता है, क्या गाता है, अबे क्या गाता है, है? हाँ झूठ बोलता है यार, ये जलता मेरे से, मैं ज्यादा अच्छा रैप करता हूँ उससे। कमाल कर रहा है यार। खैर इसकी छोड़ो, अगला सवाल सुनो। मेरा अगला सवाल है कि आपके हिसाब से दोनों में से बेटर रैपर कौन है, क्या वो है बादशाह या फिर यो यो हनी सिंह। आपके 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। वैसे मैं आपको बताऊं, दोनों का अपना अंदाज है, एक में है वखरा स्वैग और एक तो चार बोतल वोट का, क्या गाने हैं। पर दोनों का बेस्ट पता क्या लगता है, हर गाने में अपना नाम बड़ी अदा से डालते हैं, यो यो हनी सिंह, और वो डालते हैं इच्च बोए बादशाह। ऑलराइट, तो सवाल जवाब का सिलसिला आज यहाँ पे खत्म होता है। मुझे पूरा यकीन है आपको मेरी सिंगिंग पसंद आई हो। जाने से पहले आपको एक काम की बात बता दूं, देखिए क्या है ना, स्पीड जो है बड़े काम की चीज है, जितनी स्पीड से आप हमारे साथ जुड़ेंगे जीतने के उतने ज्यादा चांसेस आपके होंगे। और आपको बता दूं कि अगर आप जानना चाहते हैं विजेता के नाम, सही जवाब और तो और अपने पॉइंट, तो आइए फ्लिपकार्ट वीडियो के पेज पर और वहां पे आइए क्या बोलते पब्लिक पे, और सुबह 9 बजे आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चलिए मैं चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले आज का ज्ञान, अधूरे सपने पूरे करने के लिए क्या करना चाहिए, अधूरे सपने पूरे करने के लिए फिर से सो जाना चाहिए। चलिए अब आपने सोना है क्या नहीं वो आप पे छोड़ता हूं, लेकिन कल मिलूंगा ओनली ऑन फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट्स, क्या बोलती पब्लिक।